प्रेज द लॉर्ड, सभी को मेरी ओर से जय मसीह की। सो मैं ब्रदर बख्शीश, सो प्रभु का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए। आइए आज हम कुछ परमेश्वर के वचन में से सीखेंगे। सो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो खुदा में बिल्कुल नए हैं, जो खुदा को और जानना चाहते हैं, खुदा के वचन को और सीखना चाहते हैं, ये वीडियो उनके लिए है। तो आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे इस वीडियो को शुरू करने से पहले। सामर्थ्य परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, जो भी हम आपके कलाम से सीखें, आपकी स्वर्गीय बुद्धि हमें दे मेरे खुदा, ताकि हम आपके वचन को अच्छा से समझ पाएँ, सीख पाएँ और आपका वचन हमारे हृदय में 100 गुना फल लेके आए। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन, हालेलुया। सो आइए हम देखते हैं, मैं ब्रीफली समझाना चाहूँगा। सबसे पहले हम बाइबल को देखेंगे। बाइबल, अगर हम बाइबल की बात करें, द वर्ड बाइबल, जो बाइबल शब्द है ये क्या है? सो हम देखेंगे, पहले हम बाइबल वर्ड देखेंगे वन बाय वन। जैसे कि बाइबल के 5 लेटर हैं, 5 शब्द हैं जो हम देखेंगे। पहला है बी, फिर आई, फिर बी, देन एल, फिर उसके बाद लास्ट में ई आता है। पहले हम देखेंगे इसकी फुल फॉर्म। देखो, बहुत सारे लोगों ने अलग अलग तरीके से अपना फुल फॉर्म बनाया हुआ है। जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैंने सीखा है अपने गुरुओं से, अपने रबी से, अपने टीचर से, वो मैं आपको सिखाना चाहूँगा। ओके, द वर्ड बाइबल, द फर्स्ट लेटर बी। बी का मतलब है बिहोल्ड, बिहोल्ड मीन्स देखो। उसके बाद आता है आई, आई मीन्स इट, इट का मतलब है यह है। उसके बाद आता है फिर बी, बी का मतलब है ब्रिंग्स, मीन्स लेके आना या फिर देना, लेके आना। ओके, देन उसके बाद आता है लाइफ, मीन्स लाइफ, अंडरस्टैंड, लाइफ मीन्स जीवन, जिंदगी। उसके बाद लास्ट में आता है ई, मीन्स इटर्नल या फिर एवर लास्टिंग लाइफ। ओके, एवर लास्टिंग मीन्स इसका पूरा सेंटेंस हुआ, देखो ये हमेशा की जिंदगी, हमेशा का जीवन देती है या फिर लेकर आती है। ओके, सो आई होप दैट यू अंडरस्टैंड। सो उसके बाद हम वर्ड देखेंगे बाइबल। ये बाइबल का मतलब क्या है? बाइबल, देखो ये हमारा पंजाबी वर्ड तो नहीं है या फिर हिंदी वर्ड नहीं है, ना ही है, ये इंग्लिश वर्ड है। तो ये वर्ड क्या है? द बाइबल, द, ये बाइबल शब्द आया है बिबलोस से। बिबलोस, बिबलोस शब्द है ग्रीक वर्ड, जिसका मतलब है बहुत सारी किताबों का इकट्ठ, या फिर इसको हम बोल सकते हैं बाइबल, जैसे कि लाइब्रेरी होता है। लाइब्रेरी हम समझते हैं, जब हम लाइब्रेरी वर्ड हमारे दिमाग में आता है तो हम समझते हैं कि लाइब्रेरी मीन्स वहाँ पे बहुत सारी बुक्स हैं, न्यूज़पेपर हैं, बहुत सारी किताबें हैं। मीन्स वन वर्ड से हम समझ लेते हैं कि लाइब्रेरी में बहुत सारी बुक्स होती है, यहाँ पे बहुत सारी बुक्स होती है, हम उसको लाइब्रेरी बोलते हैं। या फिर डिक्शनरी, डिक्शनरी में बहुत सारे वर्ड होते हैं, जिन वर्ड का हमें नहीं पता, हम डिक्शनरी में जाते हैं और अपना मीनिंग उसको, वो वर्ड का हम समझ सकते हैं। ओके, तो डिक्शनरी शब्द से हम समझ सकते हैं डिक्शनरी क्या है। ओके, तो बाइबल मीन्स बहुत सारी बुक्स का, बहुत सारी किताबों का एक साथ होना, या फिर इकट्ठ, या फिर लाइब्रेरी, बाइबल। ओके, तो आप, आई होप दैट यू अंडरस्टूड। तो दूसरा इसका मतलब ये है, और एक और वर्ड है जो हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, जैसे कि अभी मैंने वीडियो में शुरू करने से पहले बोला हालेलुया। तो हालेलुया वर्ड क्या है? पंजाब में भी ये सिखाते हैं हर एक जगह कि हालेलुया मीन्स हम खुदा की 3 बार उसकी स्तुति कर सकते हैं, उसकी महिमा, सामर्थ और उसका आदर सब परमेश्वर को हो, परमेश्वर को मिले, इसका मतलब ये है। और दूसरा इसका जो ओरिजिनल मीन्स जो इसका एक्चुअल जो इसका मीनिंग है वो ये है, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया वर्ड ये एक हिब्रू, इब्रानी वर्ड है, और जिसका मतलब है हाले मीन्स प्रेज, मीन्स महिमा करना या फिर स्तुति करना, आराधना करना, या मीन यहोवा खुदा परमेश्वर, हाले
हालेलुया, या में यहोवा की स्तुति करना, यहोवा की आराधना करना। ये एक हिब्रू वर्ड है, इब्रानी भाषा का एक शब्द है जिसका मतलब है परमेश्वर की आराधना हो, परमेश्वर की महिमा हो। ओके, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। सो जो बाइबल बाइबल के दो पार्ट हैं, एक तो पुराना नियम है और एक नया नियम है। नियम मतलब नेम मीन्स वादा या फिर वाचा, या फिर जैसे हम बोलते हैं इंग्लिश में ओल्ड टेस्टामेंट न्यू टेस्टामेंट, एक प्रॉमिस है, एक प्रॉमिस, न्यू प्रॉमिस और ओल्ड प्रॉमिस। ओके, तो ये बाइबल दो पार्ट्स में है, पुराना नियम और नया नियम। सबसे पहले हम देखेंगे पुराने नियम के बारे में। पुराने नियम में 39 मीन्स 39 बुक्स हैं। तो पुराने नियम को पांच पार्ट में बांटा गया है। पहला पार्ट है लॉ बुक्स मीन्स व्यवस्था की किताबें, लॉ बुक्स जैसे कि जो यानिसिस से लेकर उत्पत्ति से लेकर व्यवस्था विवरण तक, ड्यूटोनोमी तक, लॉ बुक्स। उसके बाद आता है दूसरा पार्ट हिस्टोरिकल बुक्स मीन्स ऐतिहासिक बुक, इतिहास का बुक्स है वो, जो होशुआ से लेकर एस्तर तक है। ये टोटल है 12 बुक्स, टोटल 12 बुक्स जो होशुआ से लेके एस्तर तक 12 बुक्स है। उसके बाद थर्ड पार्ट आता है जिसको हम पोइटिकल बुक्स बोलते हैं या फिर विजडम की बुक्स बोलते हैं, बुद्धि की किताबें, बुद्धि की लिखित, बुद्धि की किताबें, ये आती है अजूब से लेकर सॉन्ग ऑफ सॉन्ग्स। ये भी पांच बुक्स हैं। उसके बाद आता है मेजर प्रॉफिट मीन्स बड़े नबी, बड़े नबी मीन्स जशाया से लेकर, इजाया से लेकर डैनियल तक। ओके, तो इसको बोलते हैं, ये भी पांच बुक्स हैं, मेजर प्रॉफिट इनको बोलते हैं। उसके बाद आते हैं छोटे मीन्स छोटे नबी, माइनर प्रॉफिट, होशिया से लेकर मलाकई तक, ये 12 है। सो टोटल बुक्स हो गया 39। तो उसके बाद आता है नया नियम। नया नियम क्या है? नया नियम भी पांच पार्ट में बांटा गया है। तो पहली जैसे मती, मरकुस, लूक और यूहन्ना, यूहन्ना ये चार बुक्स हैं। ये इसको हम बोल सकते हैं बायोग्राफिकल बुक्स मीन्स एक किसी किसी की जीवनी की किताबें, जैसे कि ये चार किताबें हमारे हमें ये बताती है हमारे खुदावन यीशु मसीह की जिंदगी के बारे में, जीवन के बारे में, इसलिए हम इसको बायोग्राफिकल बुक्स बोलते हैं। ये पांच पार्ट में बांटा गया है। पहला पार्ट है बायोग्राफिकल जिसमें चार बुक्स आता है। उसके बाद आता है हिस्टोरिकल बुक्स, हिस्टोरिकल पार्ट आता है, इसमें सिर्फ एक बुक्स है। एक बुक कौन सी है? वो है एक्स, द एक्स आता है प्रेरितों के काम, पंजाबी में बोलते हैं रसूलां दी किताब, प्रेरितों के काम। ओके, तो इसमें सिर्फ एक बुक आता है। इसमें एक फर्स्ट चैप्टर में थोड़ा सा यीशु मसीह के बारे में आता है। उसके बाद यीशु मसीह हमारे खुदावन यीशु जी स्वर्ग में उठा लिए जाते हैं। उसके बाद जो उनके चेले थे, जो उनके चेले थे या फिर उन जो भी उन्होंने काम किया, जो भी उनका इतिहास था, आपको हिस्ट्री द बुक ऑफ एक्स में मिल जाएगा। जितना भी जानना है पॉल के बारे में या फिर यीशु मसीह के जो और चेले थे, जैसे कि पहला चर्च कैसे शुरू हुआ। ओके, तो ये है ओनली वन बुक। उसके बाद आते हैं पॉलुस की किताबें, उसको हम बोलते हैं पॉलाइन एपिसल बोलते हैं, पॉल के खत या फिर पॉल के पत्र। ये आते हैं रोमन से लेकर फिलेमोन तक। ये टोटल है 13। ओके, सो डोंट फॉरगेट, अगर इफ़ यू हैव नोटबुक अगर आपके पास है तो प्लीज़ आप राइट डाउन इसको करें ताकि ये आपके काम आए, इसको सीखें ताकि आपको पता चल जाए कि खुदा का वचन कितने पार्ट में है, कौन कौन सी बुक हैं, आप इसको अच्छा से समझ सकते हैं। ओके, तो ये है 13 बुक्स रोमन से लेके फिलेमोन तक। ये है थर्ड पार्ट पॉलाइन अपीसल। उसके बाद आता है फोर्थ पार्ट में जर्नल अपीसल। जर्नल अपीसल में आते हैं इब्रानी से लेकर जूड तक, यहूदा तक। तो ये टोटल है 8। और मैं एक बताना चाहता हूँ, जो उससे पहले मैंने बताया पॉलाइन जो किताबें पॉलस ने लिखी हैं वो टोटल हैं 13। और जो हिब्रू इब्रानी की किताब है ये भी जैसे उसका लिखने का स्टाइल बुक से हम जब पढ़ते हैं ना, तो ये हम गेस करते हैं, थोड़ा हमें लगता है कि ये भी शायद
पॉलस द्वारा ही ये किताब लिखी गई है, लेकिन कोई क्लियर नहीं है, लेकिन ये हम उसकी राइटिंग से हम समझ सकते हैं कि ये किताब भी पॉलस के द्वारा ही लिखी गई है। ओके, तो अगर हम इब्रानी की पुस्तक किताब इसके साथ लगाते हैं तो ये हो जाएंगे 14। ओके, नहीं तो इसके अलावा है 13 किताबें। ओके, तो इब्रानिया से लेकर यहूदा तक है टोटल 8 किताबें, मतलब इसको बोलते हैं जनरल, मीन्स इसमें पत्रस ने भी लिखा किताब लिखी, यहूदा ने भी लिखी, तिमोथियुस ने भी लिखा, तिमोथियुस नहीं, जैसे पत्रस ने लिखा, यहूदा ने लिखा, याकूब ने लिखा, मीन्स इन लोगों ने, मीन्स ये सारा मिक्स है, जनरल है। उसके बाद लास्ट में बुक आती है प्रोफेटिक बुक्स। प्रोफेटिक बुक्स मीन्स ये किताब लिखी है यूहन्ना ने, रेवलेशन जिसको हम बोलते हैं, कि आगे क्या होने वाला है, जो उसने एक दर्शन देखा तो उसने अपने आप राइट डाउन ये रेवलेशन किया है। ओके, तो ये टोटल 5 पार्ट हो गए। और एक और बात मैं आपको अच्छा बताना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग बोलते हैं, मुझे कई लोगों ने पूछा कि जो रोमन कैथोलिक की कुछ बुक्स हैं वो हमें नहीं पता, प्लीज़ आप हमें वो बुक्स भी बता दें। तो वो हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा, उसको बोलते हैं एपोक्राइफा बुक्स। एपोक्राइफा बुक्स मीन्स, एपोक्राइफा ये ग्रीक वर्ड है एपोक्राइफा, और जिसका मतलब है हिडन। हिडन मीन्स छुपा हुआ, या फिर सीक्रेट, जो बातें सीक्रेट हैं, जो किताब सीक्रेट हैं, वो ये है जो कि रोमन कैथोलिक की बाइबल में दी गई है, लेकिन ये हमारी 66 बुक्स में नहीं है। ओके, ऑलराइट, तो पहली बुक है, फर्स्ट बुक इज तोबित। फिर से दोहराना चाहूँगा, तोबित, आप राइट डाउन कर सकते हैं TOBIT, तोबित। ओके, तो सेकंड है जूदित, जूदित, ओके, JUDITH, जूदित। ओके, तो थर्ड है एक्लिसियास्टिक बुक। ओके, तो फोर है बैरुक, बैरुक की किताब। ओके, तो उसके बाद फिर पांचवी आती है पहली माकावी, जैसे पहला सैमुअल दूसरा सैमुअल होता है ना, पहला माकावीज, फिर दूसरा माकावीज, उसके बाद सेवन्थ बुक आती है बुक ऑफ विजडम। ओके, तो बुक ऑफ विजडम मीन्स बुद्धि की किताब। ओके, तो उसके बाद फिर एट्थ आती है फर्स्ट एसड्रास मीन्स ESDRAS। ओके, तो फिर दोबारा फिर ये किताब आती है सेकेंड एसड्रास, जैसे पहला तिमोथियुस दूसरा तिमोथियुस है ना, फर्स्ट जॉन, सेकेंड जॉन, थर्ड जॉन। तो ये 9 बुक्स हैं जो कि रोमन कैथोलिक के बाइबल में आपको मिलेगी। ओके, ये हमारी बुक बाइबल में नहीं है। तो ये हैं ऑल टुगेदर मीन्स एक ब्रीफ, मैंने अपनी कोशिश की है कि आप लोगों को ये समझ आ पाए। ओके, तो ये हैं बाइबल के बारे में। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे, नेक्स्ट आप हम देखेंगे कि क्या देखना है परमेश्वर के वचन में नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू सो मच, आइए हम प्रार्थना करें। खुदावंद यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, जो हमने सीखा हमारे दिमाग में आए और हम इसके ऊपर चल नहीं पाए प्रभु जी, इस वचन को प्रभु, जो बुक्स के नेम हमने सीखे हैं या आपका बाइबल के बारे में सीखा है वो हमारे दिमाग में हो, ताकि कोई भी प्रभु जी हमारा सामना ना कर पाए। हम आपका आदर करते हैं, आपकी महिमा, आपकी आराधना करते हैं, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। ओके, बाय।